हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मियों में ठंडक देने वाला बहुत ही मज़ेदार सा समर ड्रिंक की रेसिपी, जो आप व्रत या उपवास में या फिर इफ्तार में आप इसको एंजॉय कर सकते हो। ये आपकी बॉडी को अंदर से ठंडक देगा, लू से बचाएगा। और ये ना ही शरबत है और ना ही फालूदा, और बनाने में बहुत ही ईजी है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो एक बार से ज़रूर से ट्राई करना। और आप मेरी चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम ठंडा ठंडा समर ड्रिंक। तो सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है क्योंकि हम एक खरबूजे का मिल्क शेक बनाएंगे ठंडा ठंडा। तो सबसे पहले हम दूध को, आधा लीटर दूध लिया है मैंने, तो दूध की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो एक दो मिनट के लिए पहले हम ऐसे ही दूध को उबाल लेंगे। फिर मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे एक टेबलस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें जितनी भी क्वांटिटी में आप दूध ले रहे हो उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। तो एक टेबलस्पून जितना मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था उसको दूध में मेल्ट करके थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने इसमें दूध में डाल दिया है। और दूध को लगातार ऐसे ही चलाना है, वरना हमने इसमें कस्टर्ड डाला है तो नीचे से ये चिपक जाएगा। तो ऐसे ही 4-5 मिनट के लिए हमें दूध को उबालना है। फिर मैं यहाँ पे 1/4 कप जितना चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। उसको डाल के फिर 1-2 मिनट ऐसे ही उबाल के गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और जब तक कि दूध हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम सागों को बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी साबूदाना इसमें डाल दिया है। ये बिना भिगोए हुए हैं और मैंने बड़ा वाला यूज़ किया है। आपके पास छोटा है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो 4-5 मिनट आप हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करोगे तो अच्छे फूल जाएंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक छन्नी में इसको छान लेंगे। फिर ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये और कुक ना हो। और इसे भी साइड में रख देते हैं और मस्कमेलन की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक खरबूजा लिया है, तो आप साइज़ अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, छोटी बड़ी। और जो भी मार्केट में अवेलेबल खरबूजा मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ऊपर से उसका थोड़ा सा पार्ट काट के उसको ले लिया है। तो अब हम पहले इसमें से बीज हटा देंगे। तो ऊपर का पार्ट हम चप्पू की मदद से इस तरह से हटा देंगे और इसके अंदर के सारे बीज हम हटा के इसको क्लीन कर लेंगे। तो खरबूजे के बीज का यूज़ आप फिर कोई भी ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इसके बीज को डायरेक्ट इस तरह से निकाल के फिर पानी में डाल के इसको वॉश करके एकदम क्लीन करके फिर आप इसको धूप में सुखा के फिर आप कोई भी पंजाबी ग्रेवी में बनाने में आप इसको यूज़ कर सकते हो सीड्स का। तो आप सीड्स का भी यूज़ हो जाएगा आपको। तो मैंने यहाँ पे बीज निकाल के इसको क्लीन कर लिया है। अब हम सारा पल्प निकाल के खरबूजा को एकदम क्लीन कर लेंगे अंदर से। सारा चम्मच की मदद से इस तरह से इसका पल्प निकाल लेंगे और इसको मिक्सी जार में डालते जाएंगे, पल्प निकालते जाएंगे। और इसी तरह से एक खरबूजे का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सारा पल्प निकाल के इसका रेडी कर लिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करते टाइम मैंने यहाँ पे दूध या क्रीम कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही इसको ग्राइंड कर लिया है। तो एकदम ऐसा फाइन पेस्ट हमें इसको इसके रेडी कर लेना है। तो हमने रेडी कर लिया है। जो हमने मिल्क को ठंडा करने के लिए रखा था वो ले लेंगे। तो मैंने थोड़ी देर इसको फ्रीज में रख दिया था तो ये अच्छा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें जो मस्कमेलन का जो पल्प रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे और जो हमने साबूदाना को बॉईल किया था वो भी इसमें डाल देंगे। और मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना सब्जा सीड्स मैंने भिगो के ले लिया था। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सब्जा सीड्स, जो हमारी बॉडी को अंदर से गर्मी से बचाता है। और ऊपर से मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हो। तो ये हमारा समर ड्रिंक बनके रेडी हो गया है। तो अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये ठंडा ठंडा मिल्क शेक आप एंजॉय कर सकते हो और ये बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है, आपको गर्मी से बचाएगा। तो हम इसको गार्निशिंग में थोड़ा सा
खरबूजा छोटे छोटे पीसेस में काट के इसमें डाल देंगे और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो। तो ये हमारा ठंडा ठंडा खरबूजे का मिल्क शेक बन के रेडी हो गया है।